वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट क्लास का हिंदी का जो चैप्टर है, पहला जो पार्ट है वो है वर्णमाला को जाने। हमें अपने हिंदी की वर्णमाला को जाननी है, पहचाननी है, उनकी पहचान करनी है। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं जो आपको दिखाए गए हैं। ये हैं स्वर, जो कितने होते हैं 11, कितने होते हैं 11, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इस प्रकार से हमारे जो व्यंजन हैं वो स्वर हैं वो 11 होते हैं, जो इस प्रकार हैं। और उनकी जो मात्राएं होती हैं वो इस प्रकार होती हैं, जैसे ए की मात्रा है, जैसे री की मात्रा है, आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, आगे से होती है छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा पीछे से होती है, ऊ की मात्रा ऐसे होती है, औ की मात्रा ऐसे होती है, फिर री की मात्रा ऐसे होती है, ए की एक मात्रा होती है, ऐ की दो मात्राएं होती हैं, ओ की एक मात्रा और साथ में डंडा होता है, और औ की दो मात्राएं और डंडा होता है। इस प्रकार से हमने स्वर देखे, स्वर कितने होते हैं 11 है। अब व्यंजन, व्यंजन और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों से ही मिलकर बने होते हैं। तो स्वर जो व्यंजन होते हैं हमारे वो कितने होते हैं 33, 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं 33, कै ख गै गे अड़े चै छै जै जै। इस प्रकार से हमारे यहाँ तक 33 व्यंजन होते हैं जो आपको वर्णमाला में सीखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। कुछ अलग व्यंजन भी होते हैं, जैसे संयुक्ताक्षर अक्षेत्र श्रय, अंतरिक्त व्यंजन अड़े ढ, अन्य अयोग है अंग अह। ये जो होते हैं ये अंतरिक्त व्यंजन होते हैं। आगे इन्हीं की मात्राओं का परिचय करते हैं हम। मात्रा परिचय समझिए इनको ध्यान से। व्यंजन जो होता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, स्वर की सहायता से वो नहीं बन सकते। स्वर वर्ण व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में जुड़े रहते हैं। जो स्वर होते हैं वो मात्राओं के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़े होते हैं, लगे होते हैं। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ए की जो होती है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। सभी स्वरों की मात्राओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं। तो सभी जो स्वर हैं उनकी मात्राओं के जो चिन्ह होते हैं वो इस प्रकार अलग अलग होते हैं। तो नीचे हम दिखाते हैं आपको, जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती। क्या नहीं होती? ए की कोई मात्रा नहीं होती, सिर्फ ऊपर वाला ये करते हैं। तो गै का क्या बन गया? घर। इसमें ए की मात्रा है, इसमें ए है, ए के बिना ये व्यंजन नहीं बोले जा सकते। इसमें आ की मात्रा कै के लिए क्या बन गया? का, कागज। ई की मात्रा ऐसी होती है, मै के लगी मी बन गया मित्र। बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती है, तै के लग गया ती, तीर, तीन। ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, इस प्रकार से मै के लगी मुर्गा, मुकुल। बड़े बड़े ऊ की मात्रा पीछे ऐसे लगती है, खै के लगी खून। री की मात्रा इस प्रकार से लगती है, जिसमें रै की आवाज आती है थोड़ी, वरी वृक्ष, वृषभ। ए की मात्रा एक, ऊपर मात्रा एक लगती है उसके, कै के लगी रे के लगी तो केला और रेल। इसी प्रकार से ऐ की मात्रा, ऐ की कितने मात्राएं होती हैं? ऊपर दो लगती हैं, बै के लगी पै के लगी तो क्या बन गया? बेल और पेर। ओ की मात्रा ऊपर एक मात्रा होती है, साथ में एक डंडा लगा होता है, सै के लगी चै के लगी सोर, चोर। ओ की दो मात्राएं होती हैं और साथ में एक डंडा होती है, तो चै के लगी मै के लगी चौकी और मौसी बन गया। अंग
कि जो ऊपर बिंदु होती है एक चांद बिंदु बोलते हैं जिसको, जैसे अंग के लगी चाय, अंगूर और चांद बन गया। जो अ है उसकी पीछे दो बिंदु लगते हैं, मै के लगी तो नमे छह। इस प्रकार से सभी जो व्यंजनों की मात्राएं हैं, वो स्वरों की जो मात्राएं हैं, वो व्यंजनों के लगकर उनका वर्ण बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा कि सारी वर्णमाला को ध्यान पूर्वक हमें लिखना है, उनमें स्वरों की और व्यंजनों की पहचान करनी है, और उनसे मात्राओं का यूज करके, मात्राओं का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाने हैं। थैंक यू।